आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव सेहल पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 12 किलोमीटर और ब्लॉक से इसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। 2500 वोटों वाले इस गांव की कमान राजेंद्र सिंह के हाथों में है। आइए जानते हैं 4 वर्ष में इन्होंने इस गाँव को किस तरह से सजाया है और किन समस्याओं से अभी भी गांव जूझ रहा है। तो आइए सुनते हैं प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के सेहल गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अपने गाँव में अब तक करवाए हैं? नाले खड़ंगे वाले जी, और जो है आवास, आवास यहाँ कितने मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं यहाँ 25 एक मिले हैं और 6 एक मिले जी। और जो शौचालय बनवाए हैं, कितने शौचालय से गाँव? शौचालय बनवाए हैं 135 एक बनवाए हैं, 45 एक बनवाए हैं जी, और 15 एक बनवाए हैं। पेंशन मिल रही है यहाँ लोगों को? पेंशन मिल रही है, कुछ की जो पेंशन आ रही है तो वो जो कट गई है जी, अब वो परेशान है, लेकिन जाते हैं तो उनके लिए, उसके लिए आप कार्यरत होंगे ना, आगे कोशिश कर रहे होंगे कि लोगों को? कोशिश कर रहे हैं, अभी जो कुछ जो हमने दे रही है तो कट गई बीच में जी। हाँ, तो यहाँ से सरकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये सरकार मुफ्त में जो योजना गरीबों को देने के लिए चला रही है, इसका लाभ आपके ग्राम पंचायत में क्या सभी लोग ले पाए हैं? हाँ, सब कुछ, बिजली लाइट बढ़िया चल रही है और सबके कनेक्शन हुए हैं जी, और सबके कनेक्शन अब बढ़िया लाइट आ रही है। इस समय किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, क्या वो मिल रहा है लोगों को? हाँ, ऐसा है कि किसान वालों के लिए जो है पैसा जो आया है, सभी के नहीं आया है, अभी कुछ के लिए आया है। ऐसा कितने परसेंट लोग ले पाए हैं इसका लाभ? ऐसे मान लो कि जो है 30% के करीब, 30% के करीब है। यहाँ सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड एक बनाए हैं, योजना चलाई है, क्या आयुष्मान कार्ड यहाँ सबके बने? सबके नहीं बने, अभी नहीं बने ना। राशन कार्ड बने हुए हैं? राशन कार्ड बने हुए हैं। यहाँ कूड़ेदान वगैरह लगवाए हैं आपने? कूड़ेदान लगे हुए, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई है। स्कूल पर क्या कार्य करवाए? स्कूल पे पुताई और फर्श और जो है उस पर बाउंड्री कराई है जी, ये काम कराया था, और टंकी फिटिंग हो रही है। यहाँ स्कूल में शिक्षा का स्तर कैसा है? क्या शिक्षक सारे सभी समय पर आते हैं, सही शिक्षा देते हैं, मिड डे मील वगैरह सही मिलता है? आप उसका समय समय पर निरीक्षण करते हैं? हाँ, मैं करा रहा हूँ अपने सामने जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा क्या आपकी ग्राम पंचायत में बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? हमारे यहाँ पंचायत घर बना हुआ है, बहुत पुराना, हमारा 50 साल पहले बना हुआ जी। तो क्या उसकी हालत अभी सही है? हालत तो बिल्कुल जर्जर हो गई है, उसमें तो कोई बैठता नहीं है। क्षतिग्रस्त है नष्ट है। और बारात घर है? बारात घर मैडम जो है नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, है तो वो ऐसे ही है, तो पुराने जमाने का है। अच्छा जी। हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी है। शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट भी है, बाउंड्री वाल वगैरह हो रही है, लेकिन हमारा शमशान घाट उसमें दर्ज नहीं है, शमशानों में बाउंड्री हो रखी है? नहीं, बाउंड्री भी नहीं है, बाउंड्री वाल भी नहीं है। हमारा शमशान घाट है नहीं, दर्ज नहीं है उसमें कागजों में, वैसे जो है अपने स्तर पर आपने जो है शमशान घाट यहाँ पर बना रखा है, ये कहना चाहता हूँ। दर्ज नहीं है हमारे शमशान घाट। अब यहाँ अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? सरकार से का जो है, हमारे गांव में जो एक नाला बह रहा है बीच गांव में, और उसकी लंबाई कम से कम ना तो 400 मीटर होगी। अब उसमें जो है सभी हमारे गाँव वाले परेशान है, उसमें बीमारी का प्रकोप हो जाता है, उसमें पानी भरा जाता है। मैंने 2 बार उसमें सफाई भी करा दी, लेकिन फिर भी जो अभी वो क्या सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं है? सफाई कर्मी चल रहे हैं, एक सफाई कर्मी हमारे गांव में, वो अपने पूरे कर रहे हैं काम जी, लेकिन जो है नाले की स्थिति ज़्यादा खराब है, उसमें पैसा ऊपर से मिले। अब सरकार के हमारे जो ग्राम पंचायत में इतना पैसा है नहीं जो हम पंचायत से करा देंगे, क्योंकि नाली खरंजे पूरे ना बैठे उसमें, उसमें काम तो उस, उस नाले के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या उसका दोबारा से निर्माण चाहते हैं? नाला नहीं है, हमारा तो मट्टी के बना हुआ नाला भी, उसमें निर्माण कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा अच्छा नाले जो है मट्टी का नाला है, वो नीचे को गिर जाता है, फिर ऐसे भर जाता है जी। तो आप एक नाला निर्माण चाहते हैं कि सरकार? नाला निर्माण चाहते हैं हम, सरकारी उसकी सरकार की तरफ से नाला जी। और बारात घर के या पंचायत घर के लिए भी आप यहां आ रहे हैं? पंचायत घर वैसे हमारा आ गया है, इस समय बनवाने की तैयारी चल रही है, हमने पास करा लिया है। और कोई समस्या आपके गांव में यहां है? और कोई ऐसी समस्या नहीं है, बाकी सही है, सब सही है। और जितने भी ना खरंजे रोड हैं, कुछ रह गए हैं, जितना निधि में पैसा आया है वो मैं
जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए गए हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन अभी भी 150 गरीब पात्र यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ पर समस्याओं की तरफ अगर हम नजर करते हैं तो काफी जो प्रमुख समस्या यहाँ सामने आई है, प्रधान जी द्वारा बताया गया है कि एक नाला निर्माण को लेकर ये सरकार से मांग रखते हैं, जिस जो अभी बहुत ही कच्ची हालत में है, मतलब गांव वालों ने केवल अपने स्तर पर उस नाले का निर्माण किया हुआ है, जिससे काफी गंदगी फैल रही है, बीमारी का प्रकोप यहां गांव में फैला हुआ है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। आपका नाम बताइए। क्षेत्रपाल सिंह जी, यहां प्रधान जी द्वारा कितने काम करवाए गए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? सारे काम सही करवाए यहाँ पर? आपका नाम बताइए। आवाज कैसा है आपका? आवास पक्का है? पक्का है। यहाँ प्रधान जी ने जितने काम करवाए, क्या यहाँ आवास मिले गरीब लोगों को? पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? आपका नाम बताइए। ब्रजपाल सिंह जी, आपके गांव की हालत अब से 4 साल पहले जैसी थी, क्या प्रधान जी के इस कार्यकाल में उसमें बदलाव आया है? क्या और साल से ज्यादा विकास इस बार हुआ है या और साल से कम हुआ? इस बार ज्यादा विकास हुआ है प्रधान जी के कार्यकाल में।